देखिए सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 25 और कह रहे हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनेगा। तो वेल डियर बड़ा आसान सी बात है, मिडल टर्म प्लस माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, इस फॉर्मूले से कोई भी चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बनती है। अब प्लस माइनस 2 तो है भाई, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म 16 अपॉन 25 है। अब एक्स स्क्वायर आखिर किसका स्क्वायर होता है भाई? ये एक्स का होता है और 16 अपॉन 25 किसका होता है? 4/5 का। अब ये 4/5 2 से मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर प्लस माइनस 8 अपॉन 5x। ज़रा ध्यान से देखो भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स आ गया, 16 अपॉन 5 से 25 से 4/5 जो कि 2 से मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस 8 अपॉन 5x। क्योंकि बच्चों यहाँ क्या मिसिंग थी? मिडल टर्म मिसिंग थी भाई। एक्स स्क्वायर वाली तो फर्स्ट टर्म कहलाती है, कॉस्ट टर्म वाली लास्ट टर्म कहलाती है, मिस थी तो कौन सी थी? मिडल टर्म मिस थी। बड़ा अच्छा सवाल आया था माइनस 8x प्लस 4 में क्या एड अप करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखो एक बात याद रखो, जो ये कॉन्स्टेंट नंबर है ये हमेशा कहलाता है थर्ड टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स का कोफिशिएंट कहलाता है मिडल टर्म और फर्स्ट टर्म वो होती है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऑफ कोर्स यहाँ क्या मिसिंग है? फर्स्ट टर्म मिसिंग। फर्स्ट टर्म निकालने का ये फार्मूला होता है, मिडल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। मिडल टर्म आई थी माइनस 8x है, उसका स्क्वायर ले लो फिर 4 इंटू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है भाई? 4 ही है। अब माइनस 8x का स्क्वायर ऑफकोर्स 64x स्क्वायर, 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था जी? 4x स्क्वायर होना चाहिए था, तब ये क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता। तो करेक्ट आंसर है आपका 4x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्योंकि x स्क्वायर मिसिंग था, फार्मूला मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू लास्ट टर्म, आंसर आ गया।